Welcome friends, today we will discuss the veto powers of president. Article 111 क्या है? Veto power exactly क्या है? क्यों veto power दिया है? क्या भारत के president और American president दोनों में कोई अंतर है veto powers में? Different types of vetoes क्या है? क्या vetoes की भी कोई limitations है? And then as usual, conclusion and prelims and mains questions. So let us start the video. Now, first of all, to understand the veto power, हमें article 111 समझना होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि है क्या आर्टिकल 111. लिसन केयरफुली. इट सेज व्हेन अ बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इट असेंट और विथहोल्ड और यू कैन सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज नॉट अ मनी बिल. सिंपल भाषा में जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होता है तो उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होने के बाद बिल कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास. ना प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एक प्रेसिडेंट उसे एसेंट दे सकते हैं, मतलब साइन कर सकते हैं. अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, बिल कन्वर्ट्स इनटू एक्ट, काम हो गया. दूसरा, ही कैन विथहोल्ड एसेंट, मतलब टाइम बींग के लिए उसे विथहोल्ड कर सकते हैं. एंड तीसरा, If it is not a money bill, he can send it for reconsideration. How many times? Only once. But अगर वही बिल फिर से पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया और प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट को साइन देना ही पड़ता है. कितने दिन में ये लिखा नहीं है. ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है प्रीलिम्स में, याद रखना. कितने दिन में साइन करना है? एज सून एज पॉसिबल. अगर आर्टिकल 111 क्लियर हुआ है तो थोड़ा आगे चलते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमने तो पढ़ा था कि सर लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो फिर वेटो पावर एग्जीक्यूटिव को क्यों? प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, तो उन्हें क्यों वेटो पावर दिया है? नकाराधिकार, मतलब टू से नो, उन्हें क्यों? भाई उसके कारण है. वेटो पावर्स देने का ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट हेस्टी लेजिस्लेशन. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि पार्लियामेंट कभी कभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले जो कि गलत हो सकता है. सो ऐसे जल्दबाजी में होने वाले जो डिसीजंस होंगे उन्हें रोकना जरूरी होता है. इसलिए ये पावर किसे दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है. क्या कोई और कारण भी है? यस, पार्लियामेंट सुप्रीम है इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, जुडिशरी, जुडिशियन की मैटर्स में. अल्टीमेट सुप्रीमेसी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाते हैं वो सारे लॉ किसके अनुसार होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होने चाहिए. अगर सपोज पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन वॉयलेट करता है तो क्या ऐसा लॉ पास होना चाहिए? आंसर इज नो. तो यहाँ पे टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बिल पास होता है तो उसे भी रोकना जरूरी है. मतलब वेटो पावर के पीछे का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है, जल्दबाजी में जो निर्णय होते हैं उसे रोकना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें रोकना. देन कम्स द नेक्स्ट कि सर कौन कौन से वेटो पावर्स है? चार वेटो पावर्स है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक है एब्सोल्यूट वेटो, दूसरा है क्वालिफाइड, तीसरा सस्पेंसिव और चौथा पॉकेट वेटो. क्या है एब्सोल्यूट वेटो का मतलब? है टू विथहोल्ड असेंट, विथहोल्ड करके रखने का. क्वालिफाइड मतलब पार्लियामेंट उसे या लेजिस्लेचर उसे ओवरराइड कर सकता है. कैसे? बाय स्पेशल मेजॉरिटी. सस्पेंसिव, इसे ओवरराइड किया जा सकता है लेजिस्लेचर बट विथ सिंपल मेजॉरिटी. मतलब क्वालिफाइड और सस्पेंसिव में मेजॉरिटी का अंतर है. पॉकेट वेटो का मतलब क्या? पॉकेट वेटो मीन्स यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द बिल, ऐसे ही बिल टेबल पे रहता है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एग्जाम्पल क्या? डिटेल में देखेंगे आज ही के वीडियो में. पहले ये समझ लो कि भारत के प्रेसिडेंट को चारों अवेलेबल नहीं है. क्वालिफाइड वेटो इज एंजॉयड बाय यूएस प्रेसिडेंट. भारत के प्रेसिडेंट को बाकी के तीन अवेलेबल है. सो प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कौन कौन से वेटो पावर्स भारत के राष्ट्रपति को है, तो आंसर इज एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वेटो. अब एक एक करके आगे चलते हैं कि सब पॉकेट वेटो क्या है. जैसे कि हमने पहले भी देखा, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास होगा वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास.
हमने पहले भी सुना है कि प्रेसिडेंट एक तो एसेंट दे सकते हैं विथहोल्ड, या फिर मनी बिल नहीं है तो वापस भेज सकते हैं। कितनी बार? एक बार, सेकेंड टाइम साइन देना है। बट इन केस ऑफ पॉकेट वेटो प्रेसिडेंट यहाँ पे ना ही उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, वो वापस भी नहीं भेज रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। मीन्स वॉट? बिल इज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे ही बिल टेबल पे पड़ा रहता है सिंपली इन हिज पॉकेट। दैट्स रीजन इट इज नोन एज पॉकेट वेटो। यूएस के प्रेसिडेंट को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, रिसेंड करना होता है 10 दिन में। सो डोंट थिंक यहाँ भारत के प्रेसिडेंट को थोड़ा ज़्यादा एज मिलता है, ज़्यादा पावर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? यस, एग्जाम्पल भी है। 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह जो थे उन्होंने पावर पॉकेट वेटो एक्सरसाइज किया था, किस बिल के ऊपर? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्या था कि प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त डिसाइड किया कि पॉकेट वेटो यूज़ करना है? कहा जाता है कि ये बिल अगर पास होता तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आती। तो आप कहोगे तो उससे क्या? लिसन केयरफुली, कोई भी देश में अगर डेमोक्रेसी अच्छा होना चाहिए या थ्राइविंग डेमोक्रेसी या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होना चाहिए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चौथा पिलर है, दैट इज़ प्रेस। तो इंडिपेंडेंट प्रेस अगर रहेगा तो ही डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी सर्वाइव कर सकती है। अगर प्रेस इंडिपेंडेंट नहीं तो डेमोक्रेसी का महत्व काफ़ी कम हो सकता है। एंड दैट्स रीज़न इंटरनेशनली भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की चर्चा की जाती है। हम हमेशा कहते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन अंग, और चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है प्रेस। सो पहला तो कहा जाता था कि इससे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन आएगा, और दूसरा कहा जाता था कि इट गिव्स एक्सटेंसिव पावर टू इंटरसेप्ट पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब आपके पर्सनल कम्युनिकेशन भी इंटरसेप्ट करने का अधिकार था। सो डोंट यू थिंक इट क्लियर कट वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी? सो इससे प्राइवेसी का क्लियर कट उल्लंघन होता है, एंड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। दैट स्टिल मीन अगर ये बिल पास होता तो शायद प्रेस को भी रिस्ट्रिक्शंस आते, पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होते, प्राइवेसी वॉयलेट होता। एंड दैट्स द रीज़न प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि इस बिल को वो ना ही साइन देंगे, ना ही उन्होंने वापस भेजा, ना ही कुछ किया। सिंपली इट लाइज इन हिज पॉकेट, दैट इज ऑन टेबल। देन कम्स द नेक्स्ट। सो दूसरा आपने कहा कि सस्पेंसिव वेटो। यस, सस्पेंसिव वेटो कैन बी ओवररिडन बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। मतलब क्या? वर्ड का मीनिंग समझो। सस्पेंसिव मतलब सस्पेंशन, मतलब टेम्पररी। मतलब क्या? जब भी, जैसे हमने पहले भी देखा कि पार्लियामेंट से बिल अगर पास होता है तो वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज अ कोर। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन देते, अगर साइन देते तो इट कन्वर्ट्स इनटू एक्ट। बट सेकंड है, वो फिर से वापस भी भेज सकते हैं इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। कितनी बार? एक ही बार। बट अगर वो पास होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को साइन देना होता है। मतलब क्या? ये जो प्रोसेस में प्रेसिडेंट साहब ने जो वेटो यूज किया उसको पार्लियामेंट रद्द कर सकता है। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका कोई एक्सेप्शन है? यस, मनी बिल। मनी बिल आप वापस नहीं भेज सकते। मनी बिल तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही होता है विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मनी बिल इज एन एक्सेप्शन। तो ये हो गया एक्सेप्शन। सर क्या इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? यस, एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। तो फिर आपके मन में पहला सवाल, सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सिंपल भाषा में बताता हूँ, मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 102 में दिया है। कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? 103 में कहा गया है। बट एक बात बताओ मुझे, डिस्क्वालिफिकेशन में एक क्राइटेरिया है क्या? अगर किसी मेंबर के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसका मेंबरशिप चला जाएगा। सिंपल भाषा में मतलब किसी एमपी के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट ने कहा एक्स वाई जेड इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो हो जाएगा। पार्लियामेंट ने कहा नहीं, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कहा जाता है बहुत सारे एमपीज के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, मतलब उनका मेंबरशिप जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बिल लेके आया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और उसे रिट्रोस्पेक्टिव पास किया। मतलब क्या? सपोज केस 2006 का है, आपने अर्लियर डेट से बिल को पास किया, से फॉर एग्जाम्पल 2004-05। इससे क्या हुआ? डोंट यू थिंक
अब उनके पास वो ऑफिस तो शायद होगा, बट इज इट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? आंसर इज नो. मतलब सिंपल और सरल भाषा में मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन रुक गया. किसके वजह से? आपने नया कानून पास किया विथ रिट्रोस्पेक्टिव, बिल पास किया विथ रिट्रोस्पेक्टिव. उस वक्त प्रेसिडेंट साहब थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि शायद ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इससे क्वेश्चन किया जा सकता है. इसलिए उन्होंने ये बिल क्या कर दिया, वापस भेजा. मतलब कौन सा वेटो यूज़ किया उन्होंने? पॉकेट वेटो. लेकिन फिर से पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया, फिर सेकेंड टाइम उन्हें साइन करना ही पड़ा. देन थर्ड आता है एब्सोल्यूट वेटो. एज अ टर्म इट सेल्फ सजेस्ट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः, नकाराधिकार. यहाँ पे प्रेसिडेंट चाहे तो विथहोल्ड कर सकता है असेंट टू बिल, परमानेंट विथहोल्ड कर सकता है. दो केसेस में कर सकता है. कौन से केसेस? कि सपोज कोई बिल ऐसा है जो कि प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है. अ बिल विच इज पास बाय द पार्लियामेंट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल. तो अगला क्वेश्चन, सर प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर मतलब हमारा आप नहीं, प्राइवेट मेंबर मतलब एनी अदर देन गवर्नमेंट, जो MP होता है हाउस के अंदर. सवाल क्लियर. दूसरा है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है लेकिन पास होने से पहले ही कैबिनेट रिजाइन करता है, तो अब नया कैबिनेट आएगा और प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो अगर नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट कहता है कि भाई साइन मत दो, तो प्रेसिडेंट साइन नहीं देंगे. आई होप क्लियर हुआ है. तो अगला सवाल, सर इसके एग्जांपल्स है क्या? यस, पहला एग्जांपल 1954 में है पेप्सो बिल का. यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने असेंट विथहेल्ड किया था. कैसे? लिसन केयरफुली. जब कोई स्टेट में इमरजेंसी होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होता है या जिसे हम इनफॉर्मल भाषा में इमरजेंसी कहते हैं कभी कभी, तो पावर किसके पास जाते हैं? प्रेसिडेंट. और लॉ मेकिंग की किसके पास जाते हैं? पार्लियामेंट के पास. तो सपोज पार्लियामेंट ने कोई बिल बनाया, उस वक्त इमरजेंसी थी, बट पार्लियामेंट जो बनाती उसको साइन किसका लगता है? प्रेसिडेंट का. जब प्रेसिडेंट के पास गया तब इमरजेंसी नहीं थी, तो वो काम किसे करना चाहिए, स्टेट को या सेंटर को? जाहिर है स्टेट को अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनका अधिकार है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना चाहिए क्या? आंसर इज नो. तो यहाँ पे उन्होंने साइन नहीं किया था. आई होप ये क्लियर हुआ है. बहुत सिंपल भाषा में सेपरेशन ऑफ पावर है अपने यहाँ. दूसरा था 1991 में आर वेंकटरमन, इन्होंने एक बिल विथहेल्ड किया था. कौन सा था? इट वॉज रिगार्डिंग सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ MP. क्यों विथहोल्ड किया था? फिर उसका भी कोई कारण होगा. यस, एज पर द बिल, ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको राष्ट्रपति महोदय का प्रीवियस रिकमेंडेशन लगता है. किसका रिकमेंडेशन लगता है? राष्ट्रपति जी का. बट यहाँ पे वो नहीं लिया गया था, तो जाहिर है राष्ट्रपति ने इस बिल को विथहेल्ड कर दिया. आई होप एब्सोल्यूट वेटो क्लियर हुआ है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमने तो सुना है कि स्टेट बिल्स के ऊपर भी वेटो पावर है. आंसर इज यस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एब्सोल्यूट वेटो ओवर स्टेट बिल. कैसे? बताता हूँ. आर्टिकल 200 है, वो क्या कैद करता है? वेन एवर एनी बिल इज पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली जो बिल पास करता है, ये चला जाता है गवर्नर के पास. किसके पास जाता है? गवर्नर के पास. अब गवर्नर क्या कर सकते हैं इस बिल के ऊपर? एक वो असेंट कर सकते हैं, मतलब वो लॉ में कन्वर्ट होता है. दूसरा वो विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट टाइम बिंग के लिए. तीसरा वो रिटर्न कर सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट के बारे में. बट चौथा ऑप्शन उनके पास है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं था, वो है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब चाहे तो गवर्नर बिल प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं. ये अलग है थोड़ा, ये प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं था. अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एक साइन दे सकते हैं, दूसरा विथहोल्ड कर सकते हैं, तीसरा उसे ही वो वापस भेज सकते हैं. अब इसके ऊपर असेंबली 6 महीने के अंदर डिसीजन लेगा. अब फिर से अगर ये बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया तो क्या उन्हें साइन करना पड़ता है? वेट अ मिनट, आपको लगेगा हाँ करना पड़ता है, क्योंकि सब पार्लियामेंट के टाइम पे हमने वैसे स्टडी किया था. वैसे नहीं है. इन केस ऑफ यूनियन उनके पास सस्पेंसिव वेटो, बट इन केस ऑफ स्टेट बिल प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वह साइन दे. मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेकेंड टाइम उन्हें साइन देना ही पड़ता है. मतलब प्रेसिडेंट इसे एब्सोल्यूट वेटो यूज कर सकता है. मतलब क्या हो सकता है? फिर से बिल अपोज है, फिर से अपोज है, ऐसे कितने बार हो सकता है? ऐसा कुछ लिखा
नहीं है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर डस दैट मीन प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली पावरफुल है, बहुत पावर है उनके पास? नहीं. इवन वेटो पावर्स की भी कुछ लिमिटेशंस है. कौन से लिमिटेशंस है? पहला लिमिटेशंस, वेटो पावर मनी बिल के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते. वैसे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मनी बिल तो उनके ही परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है. यस, मानता हूँ. और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में भी वेटो पावर यूज नहीं हो सकता. ये कब हुआ? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में ये हुआ था कि इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट को उसे साइन देना ही पड़ेगा. मतलब दो लिमिटेशन देखे हमने, एक मनी बिल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर कंक्लूड क्या करें? लिसन केयरफुली. पहले ऑब्जेक्टिव क्या था अपना? कि भाई जल्दबाजी में अगर कोई लॉ बनता है तो उसे रोकना चाहिए, यह गलत है. और दूसरा, जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है तो उसे प्रिवेंट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति महोदय की. सो ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा है, तो वो फुलफिल होता है. यस, बट लिमिटेशंस भी हमने देखी. क्या? मनी बिल के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर ये यूज नहीं हो सकता. डज दैट मीन पावर कम है? नहीं. मैं फिर से बोलता हूँ, क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट से जो भी बिल पास होता है, जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उस बिल के ऊपर कितने टाइम में साइन देना है या एक्शन लेना है, कितने टाइम में, ये लिखा नहीं है. मतलब कितने समय में देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा नहीं है. देन यू मे से कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही कर देते हैं, नो इश्यूज. बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को आपके हिसाब से क्या आपका कहना है कि सर इसे तो साइन देना होगा? यस, देना होगा, बट कितने दिन में, ये भी लिखा नहीं है. मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास इनफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, सो एज टू प्रिवेंट हेस्टी लेजिस्लेशन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स. देन कम्स अ मेंस क्वेश्चन कि सर मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मेंस और इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, डिस्कस वेटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट विथ एग्जाम्पल. आई होप आज जो लेक्चर हमने वीडियो देखा 15 मिनट का, उसमें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हुआ है. देन कम्स अ लास्ट कि सर प्रिलिम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नीचे चार वेटो पावर्स दिए, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, क्वालिफाइड एंड पॉकेट. इनमें से कौन सा वेटो पावर आपको लगता है भारत के राष्ट्रपति एंजॉय नहीं करते? अगर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. Thank you very much.